राम राम किसान भाइयों, आज आप देखने वाले हैं आईसर 650। आज आपको इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी मिलेगी, इसके सारे फीचर्स पता चलेंगे और आप देख रहे होंगे सिल्वर और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में ये ट्रैक्टर है। काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है ये आईसर कंपनी का। तो पहले मैं आपको चारों तरफ से ट्रैक्टर दिखा दूँ और वीडियो आप पूरी देखना, आपको अगर इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स जानने हैं। और वीडियो के अंदर ही मैं आपको इस ट्रैक्टर की कीमत बताऊंगा कि कितने का ये ट्रैक्टर आपको ऑन रोड मिल जाएगा। ये ट्रैक्टर 4x4 नहीं है, पर 4x4 में भी ये ट्रैक्टर आता है। अभी आपके सामने ये 4x2 में है ट्रैक्टर, और इस ट्रैक्टर के अंदर 1700 किलो वज़न है, 17 कुंटल। आईसर के सारे ट्रैक्टर ही आपको 3 सिलेंडर इंजन में मिलते हैं, आईसर 4 सिलेंडर इंजन नहीं बनाता। अभी मैं आपको इस ट्रैक्टर का इंजन भी दिखाऊंगा और इसके इंजन की खूबियाँ बताऊंगा कि क्या क्या खूबियाँ हैं आईसर 650 में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस ट्रैक्टर में आपको 3300 cc का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 60 HP का इंजन है। बोस कंपनी का इसमें पंप दे रखा है, आपने अभी देखा। और इस ट्रैक्टर में आपको ट्रैक्टर को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में फ़ैन नहीं मिलता। इस ट्रैक्टर में आपको कूलिंग के लिए एसी मिलेगा। ये आपके सामने एसी है और ये एसी के कूलिंग पाइप जा रहे हैं। इस ट्रैक्टर में आपको फ़ैन नहीं मिलता, एसी है इस ट्रैक्टर में, जिससे इसका इंजन को ठंडा किया जाता है। और अभी मैंने आपके सामने इस ट्रैक्टर का बोनट खोल रखा है, कुछ इस तरीके से इसका बोनट खुलता है ट्रैक्टर का। और ये टर्बो इंजन में ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के अंदर टर्बो इंजन है। और अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको आगे मिलेंगे 750/16 के टायर, और पीछे आपको इस ट्रैक्टर में मिलेंगे 16/9/28 के टायर। अब हम बात करते हैं ट्रैक्टर के बाकी फ़ीचर्स के बारे में, तो आगे से शुरू करते हैं। तो आगे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इसमें ये मेटेलिक सिल्वर कलर, और आगे नॉर्मल बल्ब वाली हेडलाइट मिलेंगी, नीचे ये ग्रिल मिलेगी। और ये इस पर आगे वेट लगा हुआ है, जिसमें गुल्ला वगैरह लगाने का ऑप्शन नहीं है। और 17 किलो इस पर वज़न है, इस पर लिखा भी हुआ है। ज़्यादा वेट नहीं है पर नॉर्मल है। और इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूल रोड पावर स्टीयरिंग मिलेगा, ये इस ट्रैक्टर का पावर स्टीयरिंग है। एक्सल ट्रैक्टर का काफ़ी मजबूत है, हैवी एक्सल ड्यूटी में ये ट्रैक्टर आता है। इन्होंने अपने ट्रैक्टर पर उस चीज़ के लिए स्टिकर भी लगा रखा है। और ये इसकी तेल की टंकी है, जो कि 60 लीटर की है। ढक्कन में लॉक भी दे रखा है और ड्राइवर की सीट के काफ़ी पास में है। ऊंचे पायदान का ये ट्रैक्टर है, एक स्टेप लेने के बाद आप सीट पर बैठ पाओगे। और साइड गियर में ये ट्रैक्टर है, बीच में आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी बैठने के लिए, मतलब अपने पैर रखने के लिए। ये यहाँ पे इस पर स्टिकर लगा रखा है, जिस पे हैवी ड्यूटी एक्सल, साइड शिफ्ट और ब्रेक वगैरह के फीचर्स लिख रखे हैं। पीछे की लाइट भी आपको LED नहीं मिलती। मरगाड पर काफ़ी जगह है बैठने के लिए, और ये सपोर्ट रोड भी दे रखी है, काफ़ी अच्छी है सपोर्ट रोड। और ये इसकी बैक लाइट है, इसमें भी बल्ब है, LED नहीं है। और ये दोनों मरगाड को जॉइंट करने के लिए भी एक रोड लगा रखी है, जिससे ट्रैक्टर में वाइब्रेशन ना आए और थोड़ी ट्रैक्टर की लुक भी बढ़ जाती है इस रोड से। पीछे आपको एक ही इमरजेंसी लाइट मिलेगी, जो रात के समय कल्टीवेटर वगैरह पर चलाते हुए जला लेते हैं। एक या 2 लीटर की बोतल के लिए स्प्रिंग मिलेगी, एक रिफ्लेक्टर मिलेगा। ये प्रेशर पंप्स हैं, जो हमारे डंफर वाली ट्रॉली पे और कंप्यूटर मांझे पे चलते हैं। और ये ट्रॉली उलाड़ने के लिए यहीं पे एक गियर दे रखा है, ये सॉकेट हो गया ट्रॉली में लाइट वगैरह जलाने के लिए। और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन थोड़ी अलग जगह है, सीट में ये पॉइंट दे रखा है इन्होंने पीछे। अभी ट्रैक्टर में फ़िलहाल ड्रॉबार लगी हुई है, टॉपलिंग नहीं लगी हुई, पर हिच भी लगा हुआ है। और आपको इसकी जो लिफ्ट की कैपेसिटी है वो 2200 किलो की मिलेगी। और लिफ्ट्स में भी जैक है कल्टीवेटर को एडजस्ट करने के लिए। अब हम आते हैं ट्रैक्टर के सीधे हाथ की तरफ। तो सीधे हाथ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर इसकी ये बैटरी देखने को मिलेगी, काफ़ी नीचे लगा रखी है इन्होंने बैटरी। और ये इस ट्रैक्टर का साइलेंसर है, मैं आपको अभी इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी सुनवाऊंगा, काफ़ी प्यारी आवाज़ है ट्रैक्टर की। और इसका टूल बॉक्स काफ़ी अलग जगह दे रखा है इन्होंने, सीधे हाथ पर मरगार्ड पर बिल्कुल आगे ही आपको प्लास्टिक का टूल बॉक्स मिलेगा नॉर्मल साइज़ का। ऑयल ब्रेक है इस ट्रैक्टर में, डिस्क ऑयल ब्रेक। ये इस ट्रैक्टर का मीटर है, थोड़ा सा इन्होंने डिजिटल दे रखा है, बाकी चीज़ें सुई वाली ही हैं मैनुअल,
जैसे आप देख रहे होंगे तेल की और हीट वगैरह वाली सुई हैं। पावर स्टीयरिंग में ये ट्रैक्टर है, ये इसका शीशा हो गया नॉर्मल साइज़ का। नीचे आपको बाकी फंक्शंस मिल जाएंगे इसमें लाइट वगैरह ऑन करने के लिए। और यहाँ पे इस ट्रैक्टर का हैंड ब्रेक है, ब्रेक को दबा के आप ऐसे इसका हैंड ब्रेक नीचे कर सकते हैं और फिर दोबारा लगाने के लिए आप इसको ऊपर कर सकते हैं। ये इसका हैंड ब्रेक यहाँ पे दे रखा है, काफ़ी स्मूथ हैंड ब्रेक है और काफ़ी अच्छा भी। साइड गियर में जैसे ये ट्रैक्टर है, आपको 4 फॉरवर्ड गियर मिलेंगे, 1 रिवर्स गियर मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये इसकी लिफ्ट को उठाने के लिए और एडजस्ट करने के लिए नॉब्स मिलेंगे इसके। ट्रैक्टर में उल्टे हाथ पे आपको एक ये लोहाई का गियर मिलेगा और एक आपको पीटीओ गियर मिलेगा। पीटीओ में इस ट्रैक्टर की पावर 51 HP है। और आगे आप देख रहे होगे कितनी जगह है ट्रैक्टर में। आईसर 650 की गाज़ियाबाद के अंदर ऑन रोड कीमत 8.5 लाख रुपए है और यूपी के सभी ज़िलों में आपको लगभग सेम कीमत देखने को मिलेगी। 10-20 हज़ार का अंतर होगा, वो डीलर की वजह से रहता है। और अगर आपका कोई डाउट है या आपको किसी और ट्रैक्टर की वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट में जाके ज़रूर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो आपके लिए बनाने की। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।